हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। कल के एनालिसिस में हमने जो बात आपके साथ शेयर की थी उसी को जो है आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और उस कंटिन्यूशन में एक ही बात मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि कल हमने जो चर्चा की थी उस चर्चा का मुख्य केंद्र क्या था। हमने कहा था कि बाजार अब और नहीं गिरेगा। गिरने के साथ साथ हमने एक बात और बोली थी कि कल यानी कि जो कल बीत गया उसमें आज के लिए जो बोला था कि रिकवरी आएगी। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है आज कि 400 पॉइंट बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी चला और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट चला। निफ्टी के लिए मैंने 16,300 का लेवल बताया था कि रेजिस्टेंस आएगा, उसी के आसपास जाके आज मान लीजिए उससे 16 पॉइंट दूर रह गया। कल के लिए मेरा क्या व्यू है वो तो मैं चर्चा आपके साथ करूंगा ही, बट मुझे अब ऐसा लगता है इस समय पर कि अब बाजार जो है वो थोड़ा टाइम पास करेगा कल। यानी कि कल एक डायरेक्शनल मूव शायद ना हो, बाजार ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर बीच में बंद हो जाए, ये एक बार नीचे जाके दोबारा ऊपर जाए ऊपर जाके फिर नीचे आए, बट एक रेंज के अंदर कल बाजार चलता हुआ हमें नजर आना चाहिए। कल के बाजार को हमने दिया है नाम कि कल बाजार टाइम पास करेगा। टाइम पास करने के रीजंस भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। निफ्टी 16,259 बंद हुआ। अब 16,000 एक साइकोलॉजिकल बेस लगा लीजिए। और आज जिस तरीके से कॉल राइटर फंसे हैं, कॉल अनवाइंडिंग हुई है बेस के साथ, मंदी करने वाले जितना मतलब पिछले हफ्ते मंदी करने वालों ने प्रॉफिट कमाया होगा, अगर उन्होंने मंदी कंटिन्यू रखी होगी तो उनसे काफ़ी पैसा जो है वसूल कर लिया आज। तो बुल्स ने जो है आज काफ़ी अच्छा जो है गेम खेला। और मैंने आपको कल भी बोला था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर टाइम पास होना चाहिए और मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा और गुंजाइश हो सकती है ऊपर की साइड की, लेकिन ऊपरी लेवल पर आज से कल थोड़ा सा सेलिंग आने के चांसेस हमें लग रहे हैं। और कल के मूव के बाद परसों के बारे में, थर्सडे के बारे में जो मैं आपको कल उस तरीके की घटना घटने दीजिए, अगर वैसा होता है तो फिर जो है क्लियर हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो 16,259 काफ़ी अच्छे लेवल पर आज निफ्टी ने क्लोज दिया। निफ्टी में एक सबसे खास बात आज क्या थी, 50 में से 49 शेयर 49 शेयर पॉजिटिव बंद हुए। यानी कि बाजार में जितनी शॉर्ट्स पोजीशंस थी उनकी आज बखिया उधेड़ रही। और बखिया उधेड़ने का मतलब है कि आज बुल्स जो है फुल मूड में थे और बहुत दिनों के बाद आपने ऐसा देखा होगा कि नीचे से एक अच्छी खासा बेस बनाकर शॉर्ट कवरिंग आई। और इसका ब्याह मैंने कल आपके साथ किया था यहीं पर। मैंने कहा था देखिएगा इन तीन कैंडल्स को देखिएगा और ये देखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बेस बनाकर एक बार तो कम से कम ऊपर जाना चाहिए, चला गया। अभी भी ये जो दो तीन कैंडल्स हैं, ये जो गैप है, यहाँ तक की भी उम्मीद हमें बनती है। लेकिन कल अगर एक सही सही तरीके की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिलती है कल, तो थर्सडे के दिन शायद ये गैप भी फिल करने के लिए बाजार जा सकता है। बट मैं पहले कल को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि अगर कल ऊपर जाके ज़्यादा नीचे आ गया या नीचे जाके ज़्यादा ऊपर हो गया तो उसके बाद जो है फिर एनालिसिस का रुख बदल जाएगा। बट कल हमें लगता है कि टाइम पास होना चाहिए, बाजार ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करना चाहिए। कल दोनों साइड जो है ट्रेड करने के मौके होंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आज सारे शेयर्स पॉजिटिव थे। रिलायंस 73 पॉइंट्स अकेला निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। ICICI बैंक में मैंने दो तीन दिन पहले भी आपको बोला था कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं और अब मुझे जो है कुछ और बैंकों के ऊपर भी लगता है कि यहाँ पर कल के लिए मुझे स्पेशली लगता है कि HDFC बैंक जो है शायद कल बाजार को होल्ड करेगा। और बजाज फाइनेंस 22, इन्फोसिस और JSW Steel सब पॉजिटिव थे। लेकिन ज़्यादातर आज अगर हम बात देखें तो सबका कंट्रीब्यूशन तो जनरली एक सेक्टर का नहीं था। आज रिलायंस भी चला फाइनेंशियल में, बजाज फाइनेंस भी चला बैंक में, बैंक ICICI बैंक चला IT में, इन्फोसिस चला JSW Steel। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिस दिन से मैंने आपको कहा है कि बाजार अभी और नहीं गिरेगा, वो बाजार के एडवांस डिक्लाइन इम्प्रूव होगा, उस दिन से लगातार इम्प्रूव है। अभी एक दो दिन हमें और इंतज़ार करना चाहिए,
अभी मुझे कल भी जो एडवांस टेकलाइन ठीक लग रही है कि कल भी एक कंफर्टेबली पॉजिटिव होनी चाहिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, कोल इंडिया, JSW, ONGC सब तेजी में था। और अब मैं आपके साथ विशेष चर्चा मैंने की थी जब बाजार गिर रहे थे, मैंने आपके साथ चर्चा की थी टाटा स्टील पे। मैंने कहा था कि टाटा स्टील में 51 रुपये का डिविडेंड है, शेयर स्प्लिट है, अच्छे मौके हैं यहाँ पे खरीदने के। और आज 7.72% जो है टाटा स्टील चला है, तो ये काफ़ी हमें कंफर्टेबली जो है लगता है कि शायद 1200 के लेवल भी आपको कल ही आपको देखने के लिए मिल जाए, या 1200 1250 के आसपास तक एक बार ये जाता हुआ नज़र आना चाहिए। और नीचे अगर दोबारा से मौके मिलते हैं 1050 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो फिर भी दोबारा से भी अगर कभी मिलता है तो वहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और आज जो है शेयर सारे पॉजिटिव थे, तो टाटा कंज्यूमर एक गिरने वाला अकेला शेयर था। निफ्टी बैंक के अंदर क्या रहा, तो निफ्टी बैंक के अंदर एक सीधी सीधी बात समझ में आई कि निफ्टी बैंक ने कल आउट परफॉर्म किया था निफ्टी के सामने, आज निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया, बट फिर भी 700 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली। और कैंडल्स इसकी भी अच्छी खासी ग्रीन है, और इसके लिए भी सेम चीज़ हम देख रहे हैं कि 35, 135, 200 कल या परसों, सॉरी कल तो नहीं, तो परसों या आने वाले हफ्ते के दौरान इस महीने की एक्सपायरी के अंदर कम से कम एक बार 35, 135, 200 जाना चाहिए बाजार हमारे हिसाब से। कल हमें लगता है कि एक बार टाइम पास करने के लिए बाजार वक्त गुजारता हुआ आपको नजर आना चाहिए। ऊपर नीचे सेम व्यू है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ICICI बैंक, SBI, कोटक, HDFC, एक्सिस सब तेजी में थे। डबल सेंचुरी लगाई है ICICI बैंक ने और सिंगल सेंचुरी लगाई है SBI ने। और कल भी मैंने चर्चा की थी कि SBI जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन काफ़ी गिरा था, और मैंने कहा था कि शायद ये कंफर्टेबल वैल्यूशन है, वहाँ से तकरीबन 27 रुपये के आसपास की तेजी आप SBI में देख चुके हैं। सभी तेज थे, ICICI बैंक लीड कर रहा था और हैवी वेट है, और नॉर्मल वॉल्यूम के साथ था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स थे, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कल बाजार ऊपर जाके टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। कल हमें एक विशेष नज़र रखनी, क्योंकि आज देखिए HDFC बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, तो बाजार में बुल्स क्या करेंगे कल इसको, शेयर्स को कल नहीं तो परसों HDFC बैंक को एक बार 1330 से लेकर 1350 के आसपास तक ले जाते हुए नजर आने चाहिए। वो कल होता है परसों, बट मुझे लगता है कि कल एक ऊपर नीचे वाला वोलेटाइल सेशन रहेगा, बहुत हैवी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, बट बाजार ऊपर नीचे तो होते रहेंगे। एक टाइम पास बाजार जो है कल का हमने शीर्षक रखा है। FIIs ने सेलिंग किया 2192 की, लेकिन उतनी ही DIIs ने बाइंग कर ली है कैश मार्केट के अंदर। अब FIIs ने इंडेक्स में क्या बेचा, इंडेक्स बेचा 1063 का, और सॉरी इंडेक्स खरीद लिया, तो आज भी खरीदा, कल भी खरीदा, परसों भी खरीदा, तीनों दिन से खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस भी खरीदिए, तो ऑप्शंस में कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट जो है बाइंग का हो, नहीं है ऐसा, सेलिंग है बल्कि। और 17 मई को आज देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद रही। इन सब पॉइंट को देख के लगता है कि मंदी की जो डेटा है वो नहीं है अभी, तो बाजार टाइम पास करता हुआ, जो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, रेंज के अंदर दोनों साइड मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। पुट कॉल रेशियोस अब में भी देखिएगा कंफर्ट आ रहा है, और मैंने कल भी बोला था कि 1 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, अगर 1 के ऊपर चलेगा तो फिर बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी हम देख सकते हैं। डाउ जोन्स में आज अच्छी तेजी है, कल तो मैं जिस समय बात कर रहा था उस समय डाउ जोन्स माइनस में था। ब्रांड क्रूड हमारे लिए चिंता का विषय है, 114, और WTI क्रूड भी, दोनों क्रूड 115 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये हमें थोड़ी सी चिंता दे रहे हैं। तो बाजार में ऊपरी लेवल्स पर पोजीशन बनाते वक्त थोड़ा सा क्रूड ऑयल के वेट एंड वॉच करना चाहिए, मुझे लगता है यही रीज़न रहेगा कि ऊपरी लेवल पर जब बाजार जाएगा तो सेलिंग आ जाएगी, लेकिन नीचे शॉर्ट्स वाले ट्रैप है, तो जब नीचे से बाजार जाएगा तो ऊपर शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर, तो बाजार ऊपर नीचे जो है होना चाहिए हमें ऐसा लगता है। और देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर तो 500-700-800 पॉइंट की रेंज रहती है रोज, तो दोनों साइड मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। निफ्टी भी 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आना चाहिए दोनों साइड में। आज सरप्राइज हो जाओगे ऑप्शन चेन के डेटा देख के, भाई साहब सारे के सारे कॉल राइटर डरते हुए नजर आए आज। भाई साहब मैंने वही बात आपको बोलनी दोबारा कि आज कॉल राइटर की बखी उधेड़ दी, जैसे पुट राइटर्स की उधेड़ी थी पिछले बृहस्पतिवार को, और उसके बाद शुक्रवार की सेशन में ऊपर से सेलिंग करके पुट राइटर फंसे थे। अब क्या कॉल राइटर, जितने कॉल राइटर्स हैं उन सबको बाजार ट्रैप करता हुआ नजर आया। इवन 10,000 16,400 तक में भी अनवाइंडिंग हो गई,
इसको देख के ऐसा लगता है कि 16,500 तक बाजार मार सकता है, टिकने ना टिकने के ऊपर अभी जो है समंजस है हमें, बट एक बार ट्राई जरूर कर सकता है। ओपनिंग में 16,300 के ऊपर बाजार हो सकता है ओपन करे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकता है, नीचे भी खुलेगा तब भी 16,300 फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट कोई भी, मैं इस समय पर कल के लिए कोई एग्रेसिव बैट नहीं ले रहा हूँ, ट्रेडर्स के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, और इसी तरीके से कोई मैं बेरिश स्टांस भी नहीं है मेरा। कल मुझे लगता है टाइम पास बाजार होना चाहिए, और निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू है, और 34,000 की पुट के अंदर 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, ये बेस मानिएगा। और 34,000 तो मैंने आपको बोला था, मैंने कल भी आपको बोला 33,800 जब पार होगा, और 34,000 ये रेंज है, इसको जैसे ही पार करेगा ना बाजार फिर नहीं रुकेगा, और ऐसा ही आज हुआ, तो 34,000 को होल्ड किया रहा। अब हमारे को जो लगता है वो ये लगता है कि जो रेंज है 34,800 से लेके 35,000 35,100, इसकी तरफ बाजार बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इतनी जल्दी बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही ऊपर बढ़ेगा वैसे ही बेचने के लिए लोग आ जाएंगे, और ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर नीचे भी बाइंग आती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट्स पोजीशंस थी, आज शॉर्ट्स पोजीशन बहुत सारी अनवाइंड हो गई। आप ये देख सकते हैं कि जितने कॉल राइटर्स थे, जितने कॉल राइटर्स थे, इन्होंने कॉल रुपये चखी थी, आज वो बैकफुट पे आए तो उन्होंने पोजीशन काट ली है। तो अब पोजीशन काटने की वजह से कोई ऐसा हैवी पोजीशंस नहीं है कॉल राइटिंग के अंदर, और जो पोजीशंस है वो पुट राइटिंग की तरफ है, जो कि एक बेस दे रहे हैं 34,000 और 33,800। तो अब मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए ना भी हो बल्कि कल के लिए 33,800 जो है एक बेस है, इसके नीचे शायद कल आपको बाजार जाता हुआ नजर आए। अगर इसके नीचे अगर कल बाजार चला गया 33,800 नीचे, तो भाई साहब फिर बीयर्स बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार कंट्रोल कर लेंगे, चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। 33,800 से 34,000 ये रेंज है, सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो 34,800 एक अच्छी रेंज है जहाँ पर सेलिंग या सप्लाई आएगी। 34,700 पे सबसे जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऑप्शन चेन के हिसाब से 34,000 से 34,700 का दायरा बनता है। टेक्निकली अगर आप देखो तो 33,800 से 34,800 के बीच का दायरा बनता है। 34,800 हो सकता है कि एक बार के लिए क्रॉस हो भी जाए, तो 35,000 और 34,800 के बीच में एक अच्छी खासी सप्लाई हमें लगता है कि आएगी, वो एक दिन में टूटती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शॉर्ट्स भी नहीं है। शॉर्ट्स होते तो शॉर्ट कवरिंग में चले जाते हैं, बट वो शॉर्ट्स भी नहीं है इतने। तो आज का एनालिसिस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और भी वीडियो जो है मैं जारी करता रहता हूँ आपके साथ, आज भी करूँगा। तो स्पेशली एक अल्फा एम्बेस के लिए एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो कुछ रिजल्ट्स जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कुछ कंपनीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिस तरीके से कल हमने अल्फा एम्बेस के साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली एनालिसिस किए थे, उसी तरीके की वीडियो आज भी आएगी आपके लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, इंतजार करिएगा, आधे से एक घंटे के अंदर मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।